साथियों, पथरी की जैसे ही चर्चा होती है तो एक बार तो थोड़ी देर के लिए दिमाग में समस्याएं बढ़ जाती हैं कि यार पथरी यार हो गई, अब क्या करें। और जब पथरी डायग्नोस हो जाए, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में पथरी निकलती है, और जब आप डॉक्टरों को दिखाते हैं तो डॉक्टर जो बातें कहता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, ये तो वही समझ सकता है जिसको ये समस्या होती है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊं कि पथरी की बात जब आती है और जब हम आप लोगों को दवा देते हैं और दवा अपने समय से काम करती है और अब जब आप लोग आकर के फीडबैक देते हैं तो निश्चित रूप से अब मेरा भी मनोबल बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब पथरी अगर होगी, अगर पेशेंट सही से दवा खाएगा तो पथरी जरूर निकलेगी। और किडनी की पथरी की अगर बात करें तो किडनी के पथरी के पेशेंटों के लिए मेरा एक सजेशन है कि जब दवा आपको दी जाती है तो दवा आप सही से खाइए, पथरी निकल जाए उसके बाद, जब तक बताया ना जाए, एक दो बार उसके बाद दवाएं दी जाती हैं ताकि भविष्य में पथरी बने ना। अभी लेटेस्ट में हमने एक जानकारी आप लोगों को दी थी कि क्यों बनती है बार बार पथरी गुर्दे में, उस पर आप लोगों को मैं इस वीडियो के लिंक भी दे दूंगा। मेरे साथ एक शुभचिंतक है हमारे, इनका नाम है दीपक सिंह। ये दीपक सिंह लखनऊ के आलमबाग एरिया से हैं और इनको कुछ दिन पहले लगभग 2020 उसमें भी एक बार पथरी हुई थी और दवा दिए थे, सही हो गए थे। लेकिन थोड़ी सी भाई देखिए, व्यस्तता हर व्यक्ति को रहती है, दवा कोई खाना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी सावधानियां न बरतने के वजह से दुर्भाग्य से पुनः इनको पथरी हो गई और पुनः दवा दिया गया, पथरी निकल गई। 2 महीने के अंदर अंदर ही इनकी पथरी निकल गई और आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। दीपक जी, थोड़ी सी अपनी पूरी बातें बताइए दर्शकों को, ताकि जिनको पथरी होती है वो लोग जो है, पथरी अगर हुई तो वो जो मन में जो घबराहट भ्रांतियां पाल करके रखे हैं, जैसे डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि कुछ लोग हम लोगों के पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, फलाना डॉक्टर ने कहा है कि अरे होम्योपैथी दवाई से पथरी कैसे निकलेगी, तो उनके लिए आप मिसाल बनेंगे। और जिनके दिमाग में अगर किसी तरह की कोई भ्रांतियां होंगी, किसी तरह का कंफ्यूजन होगा, तो हमें लग रहा है कि जो नित्य मैं आप लोगों को इस तरह की प्रामाणिक प्रस्तुतियां देता हूं, उससे निश्चित रूप से आपके मन में जो संशय भय भ्रांतियां और कंफ्यूजन होगा वो लगभग दूर हो ही गया है। जो मुझसे जुड़ गया उसको तो दूर हो गया है, लेकिन संजोग से अगर कुछ लोग ऐसे जो आज हमारी जानकारी को देख रहे होंगे, अगर उनके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आज दीपक जी भी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, आप पूरी बात बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ और आप जो है हमारी दवा से कैसे संतुष्ट हैं और क्या कहना है दर्शकों को, थोड़ा अपना परिचय भी बता दीजिएगा। मैं दीपक सिंह लखनऊ का निवासी हूँ। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे 2020 में पथरी हो गई थी यूरेटर में 12 mm की, जिसका मैंने ट्रीटमेंट कई जगह से लिया, एलोपैथ में भी लिया। एलोपैथ में तो डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया कि मुझे इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन के अलावा इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर मुझे मेरे एक जानने वाले एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर साहब बैठते हैं मटियारी के पास में, डॉक्टर SB तिवारी जी, कल्याणम क्लिनिक के नाम से उनका क्लिनिक है। तो उसके बाद में मैं यहां आया, फिर मैंने डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लिया। हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा था पथरी जल्दी निकल जाएगी, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी मेरी गलती रही, मैंने दवा को प्रॉपर तरीके से नहीं लिया तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन 4-5 महीने बाद 12 mm की पथरी यूरेटर की निकल गई और उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ। मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग एलोपैथ की बजाय होम्योपैथ को ट्राई करें, इससे पथरी जरूर निकल जाएगी। उसके बाद कुछ समय बीतता गया, 2023 में फिर मुझे एक पथरी हो गई किडनी में 4 mm की, और मैंने डॉक्टर साहब से सिर्फ एक बार दवाई ली 1 महीने की, और वो पथरी आज निकल के फिर बाहर हो गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी डॉक्टर साहब पहले दिखा भी चुके हैं आप लोगों को।
तो ये है रिपोर्ट साथियों, देखिए इनकी पथरी की रिपोर्ट है, बिल्कुल नॉर्मल आ गई एक महीने के अंदर। मेरा तो सभी व्यूअर्स से यही कहना है कि आप लोग डॉक्टर SB तिवारी जी के यहाँ आए, अगर आपको पथरी से रिलेटेड कोई समस्या है तो इसका 100% गारंटीड इलाज आपको मिलेगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये इसको मैं खुद अपने ऊपर देख चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। चलिए दीपक जी, आप इतने पॉजिटिव होकर के लोगों को बता रहे हैं। और साथियों, मैं जिम्मेदारी से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको दवा चलाई जाए, आप सही से दवा खाइए, जो स्टेप बताए जाते हैं उसको फॉलो करिए। निश्चित रूप से साथियों, अब अपनी कहानी बहुत बड़ी हो गई, धीरे धीरे 23 साल का अपना कारवां हो गया और 23 साल से हम चिकित्सक के रूप में आप लोगों की सेवा करते हुए और लगभग 22,000 पथरी। सचमुच में साथियों, बड़ा आनंद आता है कि ऐसे ही जुड़ते जुड़ते कड़ियां लगभग 22,000 से ज्यादा की पथरी की हो गई, तो निश्चित रूप से बड़ा ही गर्व महसूस होता है। तो ऐसे हमारे भाई जो अभी भी मन में किसी तरह का उनको कंफ्यूजन होगा कि पथरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इतना बड़ा साइज है तो कैसे क्या होगा, निश्चित रूप से आप लोग एक बार सलाह लीजिए। अगर आप आ नहीं सकते, अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए, आप फोन कर लीजिए, सारी सुविधा अवेलेबल है। आप देश दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, आपकी दवा पहुंचा करके, आपसे बात करके, आपको देख करके पूरी तरह संतुष्ट किया जाएगा और ऐसे ही आपका प्यार, भरोसा और विश्वास बना रहेगा तो हम इस कार्य को हो सकता है कि बहुत लंबे तक ले जाएं, बस आप लोगों का विश्वास चाहिए। चलिए दीपक जी, आप बजरंग बली को एक बार जो है धन्यवाद दीजिए कि इनकी कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग देखिए दवा देते हैं, इनकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। तो चलिए, मैं आपके जिम्मेदारियों से जो है मैंने अपना जिम्मेदारी निभाया, आपको चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, मेरा चिकित्सा धर्म जो है सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।